नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ममता मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर। मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट एबीएसटी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर में आपका सब्जेक्ट एबीएसटी दो पेपर्स में डिवाइड है, जिसमें पेपर फर्स्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, और इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स इज आयकर विधान एवं लेखे। पेपर फर्स्ट के सिलेबस को कोटा विश्वविद्यालय के अनुसार 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड अथॉरिटीज, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इनकम अंडर द हेड सैलरीज। परिचय है, परिभाषाएं हैं, कर प्रशासन एवं प्राधिकारी, करदाता की निवास की स्थिति है, कर दायित्व है, वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना है। यूनिट नंबर सेकेंड में है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब मकान संपत्ति से आय है और व्यापार पैसे से आय, शीर्षकों के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना करना है। यूनिट नंबर थर्ड में है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और एग्रीगेशन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और एग्जम इनकम। पूंजी लाभ है, अन्य साधनों से आय की गणना है, आय का योग है तथा मिलान हानियों की पूर्ति करना है, आगे ले जाने और कर मुक्त आय है। यूनिट नंबर फोर्थ में है डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सकल कुल आय में से कटौतियाँ हैं, इंडिविजुअल की कुल आय एवं करदाता कर दायित्व की गणना है, हिंदू अविभाजित परिवार की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना है। इस प्रकार यूनिट नंबर 5 में है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है साझेदारी फर्म की कुल आय, कर निर्धारण एवं कर दायित्व की गणना करना है। यह है प्रोविजंस रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, असेसमेंट प्रोसीडर्स, अपील्स एंड पेनल्टीज। और इसकी लास्ट है व्यक्तियों के समुदाय के कर निर्धारण हेतु कुल आय एवं कर दायित्व की गणना, ये तो पहले हो गया था। अब इसके बाद उद्गम स्थान पर कर की कटौती एवं आयकर के अग्रिम भुगतान के संबंध में प्रावधान, कर निर्धारण की कार्य विधि, अपील एवं इस प्रकार आपके पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का सिलेबस है। इनकम टैक्स लॉ और अकाउंट्स के सिलेबस को बताने के बाद में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ये सिलेबस अपनी कोटा विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको पेपर सेकंड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पेपर सेकंड में 3 पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है और कॉस्ट अकाउंटिंग है। मतलब पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर वो कंपलसरी है, लेकिन जो सेकंड पेपर है उसमें 3 पेपर दिए हैं गए हैं, जिनमें से एक पेपर आपको चूज करना है। लेकिन अपने महाविद्यालय द्वारा कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर को चूज किया गया है, इसलिए मैं आपको आपके कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर के सिलेबस के बारे में कुछ बता रही हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर सेकंड
लागत लेखांकन को भी कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। यूनिट नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में नेचर है, ऑब्जेक्ट है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है। वेरिएंस कॉन्सेप्ट है, पर्सन एसर्टेनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, कॉस्टिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग, डायरेक्ट मटेरियल में है, प्रोसीडर्स है ऑफ परचेज का, स्टोरिंग एंड इश्यू ऑफ मटेरियल्स है, स्टोर्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है एंड डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, मेथड ऑफ प्राइजिंग द इशू ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेज, डायरेक्ट लेबर में है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इट्स कंट्रोल है, कीप टाइम कीपिंग एंड टाइम और मेथड ऑफ वेग पेमेंट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बोनस प्लान्स, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम्स। परिचय में आपको दे रखा है लागत लेखांकन की प्रकृति है, उद्देश्य है एवं महत्व है, विभिन्न लागत अवधारणाएं, लागत निर्धारण एवं नियंत्रण, लागत वित्तीय एवं प्रबंध लेखांकन में अंतर है, लागत निर्धारण पद्धति की स्थापना है, लागत के तत्व, लागत निर्धारण की प्रवृत्तियां एवं रीतियां हैं। प्रत्यक्ष सामग्री में सामग्री क्रय की प्रक्रिया, भंडारण एवं निर्गमन है, आर्थिक आदेश मात्रा एवं विभिन्न स्तरों का निर्धारण, सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की रीतियां हैं तथा सामग्री नियंत्रण की तकनीकें हैं। सामग्री क्षय का लेखांकन व्यवहार प्रत्यक्ष श्रम में है, प्रत्यक्ष श्रम लागत एवं उसका नियंत्रण, समय निर्धारण एवं उसका लेखांकन, मजदूरी भुगतान की रीतियां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बोनस योजनाएं, कार्यहीन समय का लेखांकन व्यवहार। यूनिट नंबर सेकंड में है ओवरहेड में है एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ अंडर एंड और रिकवरी कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उपरिव्यय में अनुभाजन, आवंटन, अवशोषण, न्यून एवं आधिक्य वसूली का व्यवहार एवं निपटारा, प्रशासनिक विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय पर नियंत्रण, इकाई लागत निर्धारण और परिचालन लागत निर्धारण। यूनिट नंबर थर्ड में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में है प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्लूडिंग वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, प्रक्रिया ठेका लागत निर्धारण, प्रक्रिया लागत निर्धारण में समय किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया है, चालू कार्य के मूल्यांकन को सम्मिलित नहीं करते हुए है। मतलब यूनिट नंबर थर्ड में है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रोसेसिंग कॉस्टिंग है एक्सक्लूडिंग वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठेका लागत निर्धारण एवं प्रक्रिया लागत निर्धारण, लेकिन इसमें चालू कार्य के मूल्यांकन को सम्मिलित नहीं किया गया है। यूनिट नंबर फोर्थ में है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट है, सिग्निफिकेंस है एंड लिमिटेशन है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस जिसमें है मटेरियल एंड लेबर वेरियंस ओनली, दो को ही शामिल किया गया है, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, मीनिंग बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल में है, मीनिंग है उसकी, ऑब्जेक्ट है उसके और लिमिटेशन है उसकी, प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, एस बजट और मास्टर एंड फ्लेक्सिबल बजट। मतलब यूनिट नंबर फोर्थ में शामिल किया गया है प्रमाप लागत लेखांकन अवधारणाएं, महत्व एंड सीमाएँ और विचरणों का विश्लेषण। विचरणों का विश्लेषण में केवल सामग्री एवं श्रम को ही लिया गया है,
बजटिंग है जिस एवं बजटरी नियंत्रण, बजटिंग और बजटरी नियंत्रण में है, अर्थ उद्देश्य एवं सीमाएं। अब इसमें क्रियात्मक बजट को बनाना है, विक्रय बजट, उत्पादन बजट और सामग्री बजट, रोकड़ बजट, मास्टर बजट और लोचशील बजट। यूनिट नंबर 5 में है मार्जिन कॉस्टिंग में है, और BEP ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस इंक्लूडिंग BEP चार्ट, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स, सीमांत लागत लेखांकन एवं सम विच्छेद विश्लेषण। सम विच्छेद बिंदु रेखा चित्र भी सम्मिलित किया गया है। लागत नियंत्रण लेखे एवं लागत एवं वित्तीय लेखों का मिलान। इस प्रकार आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स और पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का सिलेबस 5-5 यूनिट में डिवाइड है। BCom सेकेंड ईयर से पहले आपने BCom फर्स्ट ईयर की एग्जाम में पेपर पैटर्न का आपको पता है, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, कितने सेक्शंस में डिवाइड होगा और कितने पे कौन सा सेक्शन कितने मार्क का होगा। सेक्शन आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही 3-3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी जिसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन सी जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन प्रत्येक एक नंबर का होते हुए कुल मार्क्स होंगे आपके 10। इस प्रकार सेक्शन बी में आपके पास 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ये जो टोटल मार्क्स है 50 नंबर। और सेक्शन सी है जिसमें आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों क्वेश्चनों को मिलाकर टोटल मार्क है 40। इस प्रकार आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों, पहला फर्स्ट पेपर है 100 मार्क्स का और सेकंड भी है 100, दोनों ही पेपर मिला के आपके मार्क्स होंगे टोटल 200 मार्क्स। इस प्रकार मैंने आपके BCom सेकंड ईयर ABST सब्जेक्ट के पेपर्स फर्स्ट और सेकंड सिलेबस जो कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है और परीक्षा में आने वाले पेपर पैटर्न किस तरीके से आपके पास पेपर आएगा बता दिया है। थैंक यू।